करने का तो बहुत मन करता है, पर कैसे करें? पैर ही नहीं चलते। पैर चलते हैं तो हाथ नहीं चलते, और यदि हाथ भी चलने लगे तो कमर नहीं चलती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो अब से आपको घबराने की जरूरत नहीं, आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डांस क्लासिक। आई एम हिमानी सारस्वत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 4 मैजिकल स्टेप्स जिनसे आपकी पैर नहीं चला पाने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आज मैं बहुत ही बारीकी से आपको सिखाऊंगी कि डांस में पैरों को कैसे चलाया जाता है। और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक ऐसा डांस स्टेप भी बताऊंगी जिसे सीखकर आप अपने डांस को और बेहतर बना सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जिसको बिल्कुल भी पैर चलाना नहीं आता, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें अपने पैरों को अपनी पोजीशन से हल्का सा ऊपर उठाना है, एक पैर को, और वापस हमें फ्लोर से टच कर देना है। सेम स्टेप हमें लेफ्ट के साथ करेंगे। हमने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया और उसे भी नीचे रख दिया। 1, उसको नीचे रख देना है। 2, नीचे। हमें अपने पैर को सिंपली फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर उठाना है और वापस उसी पोजिशन पे रख देना है। 1, 2, 3, 4। एकदम इजी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस पैर को अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठाना है और रख देना है। ये स्टेप हमें एक बार राइट लेग से, एक बार लेफ्ट लेग से, दोनों लेग से अलग अलग टाइमिंग पर एक साथ करना है। 1, 2, 3, 4। जब आपको इस स्टेप की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आप किसी भी सॉन्ग के साथ 1, 2, 3, 4 इस तरह से पैरों को उठाना सीख जाए, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा स्टेप 1। अब आज की 4 स्टेप्स में से स्टेप 1 है हमारा, हमें अपने राइट लेग को जब हम नीचे रखेंगे उठा के, सेम टाइम पे हमारे लेफ्ट लेग को हमें ऊपर उठा देना है। जैसे ही हमने राइट लेग को उठा के रखा, 1, देन 1 काउंटिंग पर ही लेफ्ट लेग को हमने ऊपर उठा दिया, देन अब इसे हम आराम से नीचे रख देंगे। अगेन हमें ये स्टेप करना है, 1, फिर से हमने ऊपर लिया लेफ्ट लेग को, वापस नीचे टच कर दिया। अगेन 3, फिर से ऊपर लिया, फिर रख दिया, फिर से राइट लेग को हमने लिया, 4, देन नीचे। जैसे ही हम अपने एक पैर को नीचे फ्लोर से टच करेंगे, सेम टाइमिंग पर दूसरा पैर ऊपर हो जाएगा। जैसे ही हमने अपने राइट लेग को नीचे लिया, सेम टाइम पे लेफ्ट ऊपर। अब आराम से हमने लेफ्ट लेग को नीचे रख दिया। अगेन हम इसी स्टेप को बार बार करेंगे। आप चाहे तो अपना राइट लेग चला सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट चला सकते हैं। अगर आपका राइट लेग चलता है तो हमने राइट को 1 रखा तो लेफ्ट ऊपर होगा, उसे हम नीचे रखेंगे। 2, वापस नीचे। 3, और यदि आपका लेफ्ट लेग चलता है तो हमने लेफ्ट से 1 को हम नीचे लेंगे, 1, तो हमने राइट को ऊपर उठा दिया, देन अगेन 2, वापस नीचे। 3, 4। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप 1 काउंटिंग उसी पैर पे ले सकते हैं। तो स्टेप हमारा किस तरीके से बना, 1, 2, 3, 4। अब इस स्टेप की ही हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम इसे थोड़ा सा फास्ट कर सके। ये स्टेप सबसे ज्यादा सॉन्ग्स में यूज आने वाला स्टेप है जिसकी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी प्रैक्टिस के बाद हम इसे थोड़ा सा फास्ट हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में हम इसे स्लो कर रहे थे। 1, 2, 3, 4। अब इसी स्टेप को प्रैक्टिस करके हम धीरे धीरे फास्ट करेंगे। थोड़ा सा अगर फास्ट करें तो हमें कैसे करना है ये स्टेप, 1, 2, 3, 4। एक बात का ध्यान रहे कि जो भी हम काउंटिंग ले रहे हैं, हमने जो भी पैर अपना यूज करना है, लेफ्ट या राइट, हम जो काउंटिंग बोल रहे हैं वो काउंटिंग उस पैर पर ही आएगी, दूसरा पैर सिर्फ उस काउंटिंग के बाद वाले स्पेस पे ऊपर हो रहा है। जैसे हमने 1 काउंटिंग किया, 1, इसमें किसी काउंटिंग पे नहीं किया। अगेन 2 राइट से ही करना है, 2, 3, 4। गाने के टेम्पो का जो टाइमिंग है हमें उस रिदम के साथ मैच करते हुए ही पैर को नीचे रखना है। 1, 2, 3, 4। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इसको और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। इसे थोड़ा सा फास्ट और मैं आपको बताती हूं। 1, 2, 3, 4।
हर नंबर जो है हमारा 1, 2, 3, 4 वो राइट लेग पर ही आएगा हमेशा, और यदि आप लेफ्ट यूज करते हैं तो लेफ्ट पर आएगा हमेशा। और थोड़ा सा फास्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अगेन 1, 2, 3, 4। इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी और आप एक अच्छी तरीके से फ्लो में आ जाएंगे। तो ये था हमारा स्टेप 1। नाउ स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो हम फर्स्ट स्टेप में हमने पैरों को चलाया था ये तो हमारा बेस सब में कॉमन रहेगा, हमें 1, 2, 3, 4 अपने राइट लेग का बेस हमें सेम रखना है। अब हमें इसमें लेफ्ट लेग को चेंज करते हुए स्टेप करेंगे हम। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, पहले हमने 1 पे पैर को सिर्फ उठा रहे थे ऊपर लेफ्ट लेग को, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, पैर को बाहर की तरफ फेंकना है। एकदम सीधा स्ट्रेट हमने लेफ्ट लेग को बाहर लिया, अगेन रख दिया, फिर बाहर लिया, सेम टाइमिंग पे हमने किया 1। पहले हम पैर को उठा रहे थे ऊपर, अब हम पैर को उठा रहे हैं बाहर की तरफ सीधा, इसमें हमारा नी भी एकदम सीधा रहेगा। 1, 2, 3, 4। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ पैर को सीधा सीधा ऊपर लेना था, अब सेकेंड स्टेप में हमें पैर को बाहर की तरफ लेना है, देन वापस उसी जगह पर रखेंगे। अब इस स्टेप को हम देखें कैसे करना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इस स्टेप को हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी रिदम को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो देखते हैं किस तरह से कर पाएंगे। 1, 2, 3, 4 और थोड़ा फास्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 और थोड़ा फास्ट, 1, 2, 3, 4। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये था स्टेप सेकेंड। नाउ स्टेप थर्ड। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेप की तरह अपने राइट लेग को उसी पोजीशन पे ही चलाना है जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में चलाया था 1, 2, 3, 4। सेकेंड में हमने चलाया था 1, 2, 3, 4। नाउ अब थर्ड में हमें क्या करना है, हमें अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड की तरफ निकालना है, देन वापस अपनी पोजीशन पे। हमने राइट लेग को पहले उठा के रखा 1, सेम टाइम पे हमने अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड लिया वापस अपनी पोजीशन। तो स्टेप हमने कैसे किया, 1, 2, 3, 4। क्लियर, हमने पहले पैर को सामने की तरफ निकाला था, अब हम अपने पैर को राइट साइड पर निकाल रहे हैं, 1, 2, 3, 4। आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, स्टेप्स प्रैक्टिस करने से और फास्ट होते जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा फास्ट देखते हैं, पहले हमने स्लो किया 1, 2, 3, 4, थोड़ा फास्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 और फास्ट 1, 2, 3, 4 और फास्ट 1, 2, 3, 4। इस तरह प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपके स्टेप्स और क्लियर होने लगेंगे और आप पहले से अच्छे तरीके से और फास्ट भी कर सकेंगे। ये था स्टेप थर्ड। नाउ स्टेप फोर। स्टेप फोर में हमें क्या करना है, सेम हमारा राइट लेग उसी तरीके से चलेगा। अब हमें अपने लेफ्ट लेग को कहां लेके जाना है, पहले हम उसे ले गए हैं 1, यहां हमने उसको रखा आगे राइट साइड पर, देन राइट लेग को फिर से उठा के चलाएंगे 2, 2 पे हमने पैर को उठा के वापस लेफ्ट साइड लिया। राइट लेग तो सेम चलेगा जैसे चल रहा था, अब हमें सिर्फ अपने लेफ्ट लेग को पहले उठा के हमने राइट साइड, अभी आप सिंपली देखेंगे अभी हम राइट लेग को नहीं उठा रहे, हमने लेफ्ट को उठा के 1 राइट साइड रखा, देन 2 लेफ्ट साइड रखा, अगेन 1 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड। बस हमें अपने लेफ्ट लेग को उठा के पहले राइट साइड देन लेफ्ट साइड रखना है। अब राइट लेग को चलाते हुए हमें कैसे करना है, 1 टच किया 2, क्योंकि ये हमारा जो राइट लेग है वो कंटिन्यू चलेगा 1, 2, 3, 4। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर बीट पे पैर को चला रहे थे 1, 2, अब हमें क्या करना है 1, 1 के बाद ये पैर को हमें टच करना है, देन क्योंकि हमें 2 काउंटिंग पे राइट लेग को फिर से उठाना है 2, पैर वापस आ गया लेफ्ट साइड, अगेन 3, फिर राइट साइड आ गया 4, फिर से लेफ्ट साइड आ गया।
तो स्टेप किस तरह से करना है हमें, 1 2 3 4 हल्का सा पैर को सामने से घुमा के राइट साइड, देन लेफ्ट, अगेन राइट लेफ्ट। प्रैक्टिस करने से आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं इसे हमें कैसे करना है। पहले हमें एकदम स्लो करना है, 1 2 3 4 चलिए थोड़ा फास्ट देखें, 1 2 3 4 और फास्ट, 1 2 3 4 और फास्ट, 1 2 3 4। आई थिंक ये फोर्थ स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इन चारों स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक बार हम इन चारों स्टेप्स को फिर से रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप 2 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप 3 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप 4 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इन चारों स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि इन चारों स्टेप्स के साथ हम हाथों को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, हाथों के कितने स्टेप्स हम इनके साथ कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ पैर चलाने की प्रैक्टिस करें। अभी पैर चलाने के लिए आप अपने हाथों को चाहे तो कमर पे रख लीजिए, चाहे अपने हाथ को आप यहां रख लीजिए। आपको अभी जैसे कंफर्टेबल लगे आप अपने हाथों को वहां सेट कर लीजिए और सिर्फ पैरों को चलाने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप इन चारों स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यकीन मानिए हर गाने पर आप अच्छे से पैर चला पाएंगे। आज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता रही हूं कि कमर किस तरह से चलानी है, आपको सिर्फ पैरों को चलाने की प्रैक्टिस करनी है। डांस में कमर किस तरह से चलानी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अभी आपको कमर पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ अपने पैरों पे ध्यान रखना है कि आप रिदम के साथ पैरों को चला पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब एक बार इन सारे स्टेप्स को हम म्यूजिक के साथ देखते हैं। जिसने भी मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है उसके लिए आज का डांस टिप है कि डांस करने के लिए बॉडी में रिदम का होना बहुत जरूरी है। अब रिदम को पक्का कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आप किसी भी एक सॉन्ग के साथ प्रैक्टिस ना करें, आप डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग के साथ प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि सभी सॉन्ग्स जो होते हैं उनकी रिदम सेम नहीं होती, कुछ सॉन्ग्स फास्ट होते हैं कुछ स्लो होते हैं। इस तरह अलग अलग सॉन्ग पर प्रैक्टिस करने से आपकी रिदम और पक्की होगी और आप किसी भी सॉन्ग पर उसके रिदम के साथ आसानी से पैर चला सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।